गाइस ये देखिए मम्मी को इतने जल्दी जल्दी मेरे से चाबी छीन कर ले गई है। आजकल आंटियों के शौक बढ़ गए कार चलाने के, अपने मासूम बच्चों से चाबी छीन के चला रहे हैं उन्हें कार। कोई नहीं यार, चला चलाओ, अच्छी बात है। वही यार, मैं भी सोच रहा था आज कार चलाऊंगा पर मिली नहीं। कोई बात नहीं, अगली बार ही सही। सामने वाले बाइक वालों को ऊपर मत पहुंचा देना आप। आराम से जाओ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्लॉग। आज हम लोग कहाँ जा रहे हैं आपको बताते हैं। आज हम जा रहे हैं, अभी मम्मी को लेने जा रहे हैं, नुपुर का बर्थडे है तो आज बाहर ही हम लोग का लंच रहेगा। मैं भी सोची कि चलो पहले घर में वर्मे बनाओ, आराम से थोड़ा सा बाहर ही करते हैं। नुपुर ने भी बोला मम्मी आज बाहर ही करेंगे, रात का टाइम होता ना, मम्मी लोग क्या है जाते नहीं है, रात में उन लोग को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। मम्मी ने कहा कि रात के टाइम हम लोग को मैं बोला करो, दिन का होगा तो आ जाएंगे करके। तो मैंने कहा कि आपको अपने स्टॉप तक आ जाना, मम्मी के दूर मतलब थोड़ी दूर पे है, 5 मिनट का रास्ता है, मम्मी वही आ जाएंगी, बस वहीं से मम्मी को लेते हुए आ जाएंगी। मम्मी को लेके घर आएंगे, पहले घर से फिर हम लोग जाएंगे जहाँ भी डिसाइड करेंगे हम लोग तीनों ही डिसाइड करेंगे जहाँ। नुपुर का ही आज तो खैर नुपुर का डे है तो नुपुर से ही पूछेंगे कि बेटा कहाँ चलना है, नुपुर जहाँ बताएगी ना बस वहीं चले चलेंगे। तो मैं मम्मी को ले लूंगी ना, तब मिलाती हूँ फ्रेंड्स आप लोग को। आज नुपुर का बर्थडे है तो हम लोग आ गए यहाँ खाने। मम्मी ने तो कर दिया जब अपने यहाँ आई थी ना। हम लोग फ्रेंड्स यहाँ आए हैं होशंगाबाद रोड वाले जो सागर गहरे है ना, वहाँ आए हैं। कैसा है टेस्ट? अच्छा है टेस्ट, अच्छा खा रहे हैं। नुपुर एपड़ी इरुके अच्छा मम्मी। अभी तो आपने तो मतलब थाली तो साफ कर दी है 5 मिनट में। अच्छा।
है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, फैमिली गैदरिंग खत्म हो चुकी है, सब खा पी के निकल रहे हैं घर। हाँ, बस घर पे भी खत्म नहीं होगी। हाँ, और आप क्या बताना चाहते हैं, आपको यहाँ का खाना कैसा लगा? खाना सैंडविच में उतना मजा नहीं है। ओके, चलो अच्छी बात है। चलिए आज के समाचार यही रोकते हैं। देखिए, ये है सागर गैरेज भोपाल में, ये है शोरूम मॉल एक्चुअली आशिमा के पास, यहाँ पे। और ये देखिए, इनको पास्ता बहुत पसंद है। बहुत सारा ठूसने के बाद ऐसा बोला जा रहा है। चलिए, तो फिर मिलते हैं, इन लोग की तो कभी खत्म नहीं होगी बातें। यस, तो अपन घर चलते हैं। चलिए, बाय बाय दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। सब लोग आ गए घर, मम्मी लोग को उनके घर छोड़ दिया और हम लोग आ गए हैं अपने घर। लाइक करो अक्षु। तरीके से नूपुर का बर्थडे हम लोग ने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर लिया है, मतलब बहुत सिंपल वे में सेलिब्रेट किया है, पर अच्छे से हो गया, क्योंकि नूपुर ने भी कहा था केक वेक नहीं काटना है मम्मी मुझे, अब कोई छोटी बच्ची थोड़ी ना हो कि केक काटना है, तो हम लोग नहीं तो केक जरूर काटते, पर अब एक दो साल से इन लोग मना कर देते हैं बच्चे कि चलो ठीक है, कहीं बाहर जाएंगे, बाहर जाके खा के आ जाएंगे, तो नानी नाना को भी लेके चलेंगे साथ में। उन लोग तो बहुत मना कर रहे थे, बोले नहीं हम लोग नहीं आ रहे अभी, हम लोग की इतनी एज नहीं है कि हम लोग घूमे फिरे करके। तो मैंने कहा कार से जाना है, कार से आना है, कोई दिक्कत नहीं है, लेने आ जाएंगे, छोड़ने आ जाएंगे, छोड़ने चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, चलो। तो फिर मम्मी बड़ी मुश्किल से तैयार हुई, मतलब दोपहर का मतलब टाइम था इसलिए मम्मी आ गई, रात का होता ना तो मना कर रही थी, बोले नहीं रात में तो नहीं आएंगे। तो बस आ गए हम लोग नूपुर का बर्थडे अच्छे से सेलिब्रेट करके। अब फ्रेंड्स, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।